शासकीय श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय 19 नवंबर को स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण कर रहा है। 1961 में इस पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। इस पुस्तकालय के 60 वर्षों के सुनहरे सफर को 3 दिवसीय हीरक जयंती के रूप में मनाने का हम लोगों ने फैसला किया है। इस 3 दिवसीय समारोह में साहित्य, संगीत, कविता, देशभक्ति से संबंधित बहुत सी गतिविधियाँ, फोटो, पुस्तक एवं पोस्टर प्रदर्शनी तथा शिल्प कला पर आधारित कार्यशाला आयोजित की जाएगी। 1961 से 2021 तक के पुस्तकालय के सफर को एक विशेष डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रसारित किया जाएगा, जिसका नाम होगा सफर 60 बरस का। शासकीय श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय इंदौर की एक अनमोल धरोहर है। इस धरोहर के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सब इंदौर वासी सहभागी बने। धन्यवाद। नमस्कार। शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय की हीरक जयंती समारोह है आज 19 नवंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई और 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आप सबको हीरक जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। पुस्तकालय का जो हीरक जयंती महोत्सव हो रहा है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज पूरे इंदौर वासियों की तरफ से आज शुभकामनाएं देता हूं कि इस अहिल्या लाइब्रेरी के 60 वर्ष पूर्ण होने पे और बहुत शुभकामनाएं हैं। इस हीरक जयंती के अवसर पर मैं अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय से संबद्ध सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 19 तारीख को हर एक जयंती समारोह आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं स्नेहलता उपाध्याय बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज 19 नवंबर 2021 को शासकीय श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय इंदौर 60 बरस का हो गया। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। इस पुस्तकालय का सफर भले ही 1961 से प्रारंभ हुआ हो, लेकिन जिस भवन में यह संचालित हो रहा है उसे सफेद कोठी के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण वर्ष 1900 के भी पूर्व हुआ था। इस अर्थ में यह कोठी 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 20वीं शताब्दी का समग्र और 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्रवेश कर मजबूती व पुरातन सौंदर्य को लिए पूरी आन बान और शान से अपने अस्तित्व को सिद्ध कर रही है। ये सफेद कोठी बाहर से जितनी सुंदर दिखाई देती है, इसका इतिहास भी उतना ही समृद्ध है। ज्ञात जानकारी के अनुसार अंग्रेज शासकों ने 4 एकड़ क्षेत्र में इस सफेद कोठी का निर्माण करवाया था। अंग्रेज वास्तुविदों द्वारा 4 वर्ष में निर्मित इस कोठी को मोनोमेंटल विधि से बनाया गया है, जिस पर अन्य कोई निर्माण या विस्तार संभव नहीं होता। यह कोठी 1890 से ही अंग्रेज शासकों का आशियाना बनी रही। वर्ष 1940-41 में यहां अंग्रेज शासक सर टेलर एवं सर हर्टन रहा करते थे। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व 15 अगस्त 1947 से 1 नवंबर 1956 तक मध्य भारत के मुख्यमंत्री माननीय श्री तखत मलजी जैन की भी ये आवास स्थली रही। उसके बाद 24 जुलाई से 24 अगस्त 1960 तक 1 माह भारतीय संस्कृति के अध्येता संत विनोबा भावे ने भी यहां प्रवास किया। ये एक पावन संयोग रहा कि ऐतिहासिक रूप से समृद्ध इस कोठी ने एक पुस्तकालय का रूप लिया। श्रीमंत महाराजा यशवंत राव होलकर न्यास द्वारा 1.5 लाख रुपए की सहयोग राशि से इस पुस्तकालय की स्थापना की गई।
19 नवंबर 1961 को प्रातः 9:15 बजे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री हुमायूं कबीर एवं तत्कालीन राज्य शिक्षा मंत्री माननीय श्री शंकर दयाल जी शर्मा के कर कमलों से इसका शुभारंभ हुआ। इस पुस्तकालय के प्रथम ग्रंथपाल श्री आर पी तिवारी रहे। श्री तिवारी ने पुस्तकालय को पद्मश्री डॉक्टर एस आर रंगनाथन के कोलन क्लासिफिकेशन से सुव्यवस्थित करने का गौरव प्राप्त किया। प्रथम क्षेत्रीय ग्रंथपाल के रूप में श्री बामनराव शिवराम मोघे पदस्थ हुए, लेकिन फिर भी स्थायी पूर्णकालिक क्षेत्रीय ग्रंथपाल की आवश्यकता महसूस की गई। तत्पश्चात सन 1999 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा प्रभारी क्षेत्रीय ग्रंथपाल का दायित्व डॉ. जी डी अग्रवाल को सौंपा गया, जिनके नेतृत्व में पुस्तकालय ने कई नए आयाम स्थापित किए। 99 में पदस्थ हुआ और उस समय लाइब्रेरी के हालात जो है बहुत खराब थे, और फिर तत्कालीन संभागायुक्त श्री अशोक दास, पदेन अध्यक्ष शासकीय श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के अनुरोध पर श्री अनिल भंडारी, महासचिव इंदौर गौरव फाउंडेशन ने संकल्प साधना और जन सहयोग की त्रिवेणी पर पुस्तकालय के कायापलट की जिम्मेदारी ली, और 17 फरवरी 2009 को पुस्तकालय भवन का जीर्णोद्धार, नवनिर्मित प्रीतमलाल दुआ सभागृह, कला वीथी का प्रदर्शनी हॉल एवं नवग्रह नक्षत्र उद्यान का लोकार्पण माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के कर कमलों से संपन्न हुआ। नवग्रह नक्षत्र उद्यान में चारों दिशा, नवग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्रों के अनुसार वृक्ष लगाए गए, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। श्री तिवारी जी द्वारा नवग्रह नक्षत्र उद्यान में डॉक्टर रंगनाथन की अवक्ष प्रतिमा स्थापित करने हेतु 11,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। 19 नवंबर 2014 को लाइब्रेरी में अत्याधुनिकीकरण की संस्था डेलनेट के सौजन्य से एक नई परियोजना की सुविधा पुस्तकालय को प्रदान की गई, जिसके द्वारा पुस्तकालय को विश्व के 5,000 पुस्तकालयों से जोड़ा गया। इस प्रकार यह मध्य प्रदेश का एकमात्र पुस्तकालय बना, जिसे केवल प्रदेश व देश ही नहीं अपितु यूएस, यूएई, पाकिस्तान, फिलीपींस सहित दुनिया भर के पुस्तकालयों से जोड़ा गया। 3 जुलाई 2014 को युवा वर्ग की पठन पाठन में रुचि जागृत करने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के उद्देश्य से एक विशेष अध्ययन कक्ष का निर्माण 10 लाख रुपए की सांसद निधि से किया गया, जिसका लोकार्पण राज्यसभा सांसद माननीय श्री कप्तान सिंह जी सोलंकी, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री शंकर लालवानी जी एवं श्री कृष्ण कुमार अस्थाना जी के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल जी गौर के हाथों संपन्न हुआ एवं माननीय श्री अभय छजरानी जी द्वारा विकास कार्यों हेतु 50,000 रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान की गई। पुस्तकालय में विभिन्न अवसरों पर अनेक रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। यहां प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को अध्ययन कक्ष में पाठक संसद का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस पर लेखकों, प्रकाशकों एवं पाठकों का सम्मान किया जाता है। 12 अगस्त लाइब्रेरियंस डे पर पुस्तकालय विज्ञान के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं ग्रंथपालों को आमंत्रित कर संगोष्ठी आयोजित की जाती है तथा पुस्तकालय विज्ञान के टॉपर्स को प्रशस्ति पत्र एवं भारतीय स्टेट बैंक के सौजन्य से नगद राशि प्रदान की जाती है।
27 सितंबर को पद्मश्री डॉक्टर रंगनाथन जी की पुण्यतिथि पर आयोजन कर एक लेखक, एक पाठक एवं एक ग्रंथपाल को सम्मानित किया जाता है। पुस्तकालय के वाचनालय में शहर के रचनाकारों को साहित्य चर्चा, विमर्श, संगोष्ठी तथा काव्य समागम हेतु निशुल्क स्थान प्रदान किया जाता है। इस पुस्तकालय में 90,000 से अधिक पुस्तकें हैं। यहां आजीवन सदस्यों की संख्या 8,000 से ऊपर है। यहां भारतीय संविधान की मूल प्रति की प्रतिकृति उपलब्ध है। यहां पर्याप्त कंप्यूटर, जंबो फोटोकॉपियर्स एवं नेट सुविधा भी उपलब्ध है। यहां अनुपयोगी सामान को उपयोगी बनाकर भवन एवं परिसर की साज सज्जा की जा रही है। यहां दिव्यांगों हेतु एक कोना बनाया जा रहा है। वर्तमान अहिल्या लाइब्रेरी का स्वरूप गत 60 वर्षों में सबसे अच्छा है। अब फिलहाल में श्रीमती लिली डावर यहां क्षेत्रीय ग्रंथपाल के पद पर पदस्थ हुई हैं और वो एक संकल्प लेके अपने आप में क्रिएटिव माइंडेड हैं, एक संकल्प लेके आई हैं कि अहिल्या लाइब्रेरी फिर से अपने ऐतिहासिक स्वरूप को जो है प्राप्त करेगी और निश्चित रूप से यह प्रदेश की सबसे सुंदर, सबसे अच्छी लाइब्रेरी बनेगी। उसके बाद लिली डाबर यहाँ आई हैं, उनमें बहुत उत्साह है इसको विकसित करने का, इसको अच्छा बनाने का, और मैं आशा करता हूँ कि वे जहाँ जहाँ रही हैं, जिस जिस स्कूल में रही हैं, उन्होंने उस स्कूल को बहुत नया क्लेवर और नई प्रतिष्ठा और नया आदर दिलवाया है। आशा करता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण स्थान जिसका बहुत आदर होना चाहिए, उस आदर को वे पुनः इस नगर में दिलवा सकेंगी, ऐसी मेरी भावना है और विश्वास है कि कर सकेंगी। आज अभी कुछ समय से हमें जो नई पुस्तकालय अध्यक्ष लिली डावर के रूप में जो प्राप्त हुई हैं, वे तो विभिन्न कलाओं की पारंगत हैं और हम लोग निश्चित रूप से ये आशा कर सकते हैं कि उनके मार्गदर्शन में पुस्तकालय बहुत आगे बढ़ेगा। वर्तमान में इस स्वरूप को बनाए रखना और इसको आगे कैसे ले जाना, ये हम सब मिलके तय करना है। अभी जो इनका काम देख रही हैं लिली डाबर जी, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आगे ले जा रही हैं। मैं आप सबको निवेदन करूँगा, इस लाइब्रेरी के उत्थान के लिए हम सब मिलके काम करें और ये इंदौर की एक पहचान है। तो हमने इस पुस्तकालय की स्थापना के अब तक के सफर को जाना, इसका गौरव यूं ही बना रहे इसके लिए हम सभी को पुनः विचार करना होगा और इसे एक नए कलेवर और नए रूप में संवारना होगा, ताकि इस डिजिटल युग में भी इस पुस्तकालय का अस्तित्व कायम रहे। हीरक जयंती की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।